Good morning, Assalamu alaikum. Welcome to the second lecture of the week, that is of mathematics. I hope आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना काम फिनिश कर रहे होंगे. Now take out your maths books. First, we will be doing a little recapitulation. Recapitulation का मतलब है हम वो सब रिवाइज करेंगे जो हमने पिछले वीक्स में किया था, जिसमें हमारी रीडिंग आती है. हमने की थी रीडिंग, ठीक है. हमने अब तक 1, 2 और 3 तक काम फिनिश कर लिया है. नाम मेरे साथ पढ़ें. 1 bear, 2 cookies, 3 chicks, 4 dinosaurs, 5 seahorses, 6 cake pieces, 7 apples, 8 honeybees, 9 lollipops. हमने किया था बुक पेज नंबर 1 and 2, देन 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 9 and 10, 11 and 12, 13 and 14, जिसमें 13 हमारा होमवर्क था. 15 भी हम कर चुके हैं और 16 पे भी हम फिनिश कर चुके हैं. नाउ कम टू बुक पेज नंबर 17. 17 में है ट्रेस एंड कलर द शेप्स. वो कहते हैं ट्रेस करें. ट्रेस मतलब इसके ऊपर आपने लाइन लगाना है. कोशिश करें कि आप रूलर के साथ मार्जिन लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपका काम इजीली हो जाए. जब आप ट्रेस कर लेंगे हाथ से तो वो टेढ़ा आएगा. जब आप रूलर की मदद से ट्रेस करेंगे आपकी लाइन सीधी आएगी. सर्कल को आप हाथ से भी ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन स्टार और बाकी शेप्स जितनी भी हैं आपने उनको रूलर से ट्रेस करना है, ठीक है, ताकि आपकी एक प्रॉपर शेप आए. देन आपने जो कलर लेना है आप वो कलर ले लें, ठीक है. पहले उससे आउटलाइन बनाएंगे आप और देन उसमें कलरिंग करेंगे. मैं यहाँ पे आपको, अगर आपने येलो कलर क्यूब में करना है तो आपने सबसे पहले येलो कलर लेना है, एक रूलर लेना है. क्योंकि मेरे पास एक हाथ ही फ्री है, मैं आपको एक हाथ से समझा रही हूँ, लेकिन आपने साथ में अपने रूलर से भी करना है, ठीक है. आपने रूलर रखा और साथ में एक स्ट्रेट लाइन लगाई. जब आप आउटलाइन सारी बना लेंगे देन अगेन आपने उसके अंदर कलर फिलअप करनी है, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास 4 शेप्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5 5 शेप्स हैं. आपको मैं शेप्स के नाम बता देती हूँ. ये है हमारे पास क्यूब. क्यूब कहते हैं इसको, क्यूब भी कहते हैं और स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है. ये है क्यूब और स्क्वायर. मैं इसमें आपको लिख के भी बता रही हूँ. ये है स्क्वायर. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है. ये है हमारे पास सर्कल. ये कौन सा शेप है हमारे पास? ये है हमारे पास सर्कल, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट शेप, जिसकी 2 साइड्स लंबी हों और 2 साइड्स छोटी हों, यानी 2 साइड्स लॉन्ग हो और 2 साइड्स शॉर्ट हो, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल. रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब है इसकी 2 साइड्स शॉर्ट है, 2 साइड्स लॉन्ग है. ये देखिए, ये शॉर्ट साइड है, छोटी लाइन है, और ये लॉन्ग साइड है, लंबी लाइन है. नाउ नेक्स्ट शेप है हमारे पास ट्रायंगल. ट्रायंगल का मतलब है इसकी ट्राई साइड है, यानी 3 साइड्स है. ट्रायंगल, और ये है स्टार. ये कौन सी शेप है? स्टार, जो अच्छा काम करने पे आप सबको मिलती है. अब आप सबको शेप्स का पता लग गया. ये है स्क्वायर, ये है सर्कल, ये है रेक्टेंगल, ये है ट्रायंगल और ये है स्टार. ये मैं आपसे पूछूंगी भी, आपने शेप्स याद करनी है. ये है स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड स्टार. आपने क्या करना है, टॉप पे सबसे पहले डेट लिखनी है. आज की डेट है, होमवर्क मेंशन करके आज की डेट आपने डालनी है. टुडे इज़ 22nd
22 जुलाई 2020। ठीक है, जब आप ये होमवर्क वाला पेज कर लेंगे, वो कहते हैं नेक्स्ट पेज एक्टिविटी है। अब आपने क्या करना है, एक्टिविटी वाले पेजेस क्योंकि मैं स्किप कर रही हूँ, आपने यहाँ पे स्किप लिखना है। ये आपको मैं खुद करवाऊँगी। ठीक है, जब आप स्किप कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज हमारे पास है 4। व्हाट इज दिस 4? कितने डायनासोर्स हैं काउंट करें, 1 2 3 4। ये क्या है, 4, FOUR, 4। मेरे साथ रिपीट करें, ONE, 1 TWO, 2 THREE, 3 FOUR, 4 FOUR, 4। 4 हम कैसे लिखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देन नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन हमने चेयर, एक चेयर की तरह बनानी। ये है हमारे पास 4। ये क्या है, 4, FOUR, 4। जब आप एक 4 कर लें, नाउ आपने क्या करना है, टॉप पे डेट लिखनी है, क्लास वर्क डेट, और यहाँ पे आपको 4 लिखने का तरीका बताया है। डॉट से शुरू करते हुए मेक अ स्ट्रेट लाइन, स्टॉप, देन मेक अ स्ट्रेट लाइन, स्टॉप, एंड लास्ट में अगेन मेक अ स्मॉल स्ट्रेट लाइन, 4, 1 2 3 4, 4 डायनासोर्स। आपने क्या करना है, इन डायनासोर्स में कलर करना है। ये क्या लिखा हुआ है, 4 डायनासोर्स, 4 डायनासोर्स। अब आपने मेरे साथ इसकी राइटिंग करनी है। ठीक है, राइटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मेक अ स्ट्रेट लाइन, फिर उसको स्ट्रेट इधर लेके जाना है, देन स्मॉल स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड 4। व्हाट इज इट कॉल्ड, 4, वेरी गुड, 4। नाउ मैं वीडियो में आपको 2 लाइंस करके बताऊंगी, आपने ये फुल पेज फिनिश करना है। और याद रखिए, आपको पता है काम आपका नीट और टाइडी होना चाहिए। ठीक है, 4, यहाँ पे ये पेज आपने फिनिश करना है। ये है 21 वाला पेज। ठीक है, जब आप ये पेज फिनिश कर लें तो ये पेज अगेन आपका होमवर्क है। ठीक है, आपने 2 पेजेस का काम फिनिश करना है सारा। 4 डायनासोर्स, 4 डायनासोर्स, आपने मेरे साथ ये सारा काम फिनिश करना है। मैं आपको 1 पेज करके बताऊंगी, आपने 2 पेजेस का काम फिनिश करना है। बहुत इजी काम है। देखें, एक स्ट्रेट लाइन, फिर उस स्ट्रेट लाइन को बेंड कर देते हैं, फिर अगेन एक स्ट्रेट लाइन। जब आप ये लगा लेते हैं, ये आपका बन जाता है 4। इट मेक्स 4। जब आप ये सारा काम मेरे साथ फिनिश कर लेंगे, नेक्स्ट पेज आपने खुद ही करना है। ठीक है, और 4 की स्पेलिंग भी याद करनी है आपको। ओरली 1 से लेकर 4 तक की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। जब आप स्कूल आएंगे, मैं आपसे सुनूंगी, तो आपको 1 से लेकर 10 तक सब स्पेलिंग्स याद होंगी। आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, तब आपका काम होता जाएगा। अच्छा, आज को मैं आपको रिकैप दे देती हूँ, आपने क्या क्या करना है। आपने सबसे पहले ये होमवर्क लिखना है और पहले इसकी शेप्स को याद करना है। जब आप शेप्स याद कर लेंगे, नेक्स्ट पेज आपने निकालना है,
ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अभी आपने होमवर्क जो है ना वो लास्ट में करना है, पहले आपने क्या फिनिश करना है, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। पहले आप रीड करेंगे और देन आप लिखेंगे। जब आप ये दोनों पेजेस का काम फिनिश कर लेंगे देन आपने 4-5 कलर्स लेने हैं। पहले ये वाला काम फिनिश करके डायनासोर्स में कलर करना है ब्राउन कलर, ठीक है। मैं कोई भी आउटलाइन से बाहर ना देखूं, आपने अच्छे से ये दोनों पेजेस फिनिश करने हैं, इस पेज की रीडिंग करनी है, ठीक है। और ये आज का आपका काम होगा, होमवर्क है। जब आप शेप्स याद कर लें देन अगेन आपने क्या करना है, एक कलर लेना है, कोई सा भी कलर हो, आप अपनी मर्ज़ी का कलर ले लें। रूलर से पहले आउटलाइन बना के फिर अंदर कलर पुट करना है। देन रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में और स्टार में भी, और फिर सर्कल लास्ट में करें, ठीक है। इस पेज पे स्किप लिख के आपने ये सारे पेजेस फिनिश करने हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।